खबर पे भी जनपद से है, जहां विकास खंड पूरनपुर की ग्राम पंचायत श्रीनगर में प्रधान राधेश्याम की अनदेखी और सफाईकर्मी की मनमानी के चलते ग्रामीणों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्राम पंचायत श्रीनगर में ग्रामीणों की हालत पद से बदतर होती जा रही है। कोई न कोई अधिकारी और न ही प्रधान ग्रामीणों की समस्याओं को सुन रहे। जहां केंद्र सरकार और राज्य सरकार गांव को स्वच्छ बनाने के लिए स्वच्छता मिशन के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है और गांव को स्वच्छ रखने के लिए गांव में सफाई कर्मियों की तैनाती की गई, वहीं प्रधान की गैर जिम्मेदारी के चलते और सफाईकर्मी के न आने के से गांव में गंदगी दूर होने का नाम नहीं ले रही। गांव की नालियां गंदगी से भरी हुई है। नालियों से उठती बदबू ग्रामीणों के लिए बीमारी का कारण बन सकती है। ग्रामीणों ने प्रधान राधेश्याम के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए कहा कि प्रधान को हम लोगों ने कई बार सफाईकर्मी से सफाई करवाने के लिए कहा, पर प्रधान द्वारा अनदेखी की जा रही है। गांव में सफाईकर्मी होने पर भी उनके गांव में न आने पर सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है। इसके अलावा ग्रामीणों ने बताया कि गांव में कई लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए गए हैं और कईयों के यूनिटों को कम कर दिया गया है। कई बार प्रधान से गुहार लगाई है पर प्रधान सुनते ही नहीं। तमाम तरह की परेशानियां होने की वजह से हम लोग ग्राम प्रधान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गाँव कौन सा है? और समस्या क्या है आपको? समस्या यही है कि नाली उली साफ करने आता है नहीं, बच्चे हमारे साफ करते हैं, कहते हो तो कहते हैं कि वहीं से उधर साफ कर ले जाते हैं, मगर इधर नहीं आते, इधर गंदगी रहती है, इधर इंसान नहीं रहते हैं। ये घर के सामने नाली है, इसे सफाई नहीं होती है इसकी? नहीं, सफाई नहीं होती है। तो आपने कभी कहा नहीं? 2-3 बार कहा, उससे लड़ाई तक हुई हमारी, मगर आता ही नहीं है, इधर नाली ही नहीं साफ करता है। तो आपने इसकी शिकायत प्रधान को नहीं की? प्रधान भी नहीं आते हैं, क्या कहाँ जाएं हम कहने के लिए। अच्छा, अब आदमी हमारे हैं नहीं जी, अब बच्चे हैं छोटे छोटे, अब प्रधान इतनी दूर है तो क्या उसके पास जाएं? अब कभी निकलेगा तो उससे कहें, जब आएगा नहीं तो इधर कहेंगे क्या। ठीक, नाम है आपका? गांव कौन सा है और समस्या क्या है आप लोगों को? समस्या है कि देख ही रहे हैं, नाली जो कचड़ा भरा है, नाली पूरी तरह बनी नहीं है। और क्या समस्या? क्या नाम है आपका? चंपा देवी। गांव कौन सा है? श्रीनगर। तो क्या समस्या क्या है आपको? समस्या है ये हमारे लड़के के, हमारे आदमी के, क्या नाम, राशन कार्ड में नाम नहीं है, हम लोग के लड़की के हमारा नाम है राशन कार्ड में, वही क्या नाम, राशन नहीं मिलता है। नाम है आपका? अजय कुमार। गांव कौन सा है? ग्राम श्रीनगर। और दिक्कत क्या है? दिक्कत सर देखिए, नाली पूरी कचरा भरा, इसमें कोई सफाई आज तक नहीं हुआ, यहाँ पे सफाई कर्मी आते ही नहीं है साफ करने के लिए। ये तो सफाई कर्मी यहाँ नियुक्त है ना जी, तो आप कहते नहीं उनको? कहने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं होती है सर। तो क्या कहता क्या है? वो कहता है कि साफ हो जाएगी, टाइम देते हैं, मनमानी काम करते हैं सर। तो प्रधान से नहीं कहा आपने? सर प्रधान प्रधान भी नहीं सुनते हैं सर। तो प्रधान का क्या नाम है आपके गांव का? राधेश्याम। राधेश्याम, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अजय कुमार है। राशन कार्ड करीब 7 महीने से कटे हैं, कोई सुविधा नहीं मिल रहा, बिल्कुल 1 किलो राशन नहीं मिल रहा, और प्रधान से कह रहे हैं वो भी सुनवाई नहीं हो रही, कोटेदार से कह रहे हैं कोई सुनवाई नहीं हो रही सर। तो कहते क्या है ये प्रधान और कोटेदार? लोग कहते हैं अभी कोई वेबसाइट खुला नहीं है, इससे काम नहीं होगा कोई। ये कब से समस्या है? 7 महीने हो गए सर। 7 महीना हो गया जी। चलिए, क्या नाम है आपका? हीरा लाल। गाँव कौन सा है? श्रीनगर। समस्या क्या है? सफाई कर्मी नियुक्त है लेकिन बहुत कम आता है, वो महीने में एक बार आएगा और एक रास्ता साफ करेगा, उसके बाद चला जाता है। तो आप लोगों ने क्या इसकी शिकायत प्रधान से नहीं की? प्रधान के सामने कहे हाँ। लेकिन प्रधान जी कहते हैं सचिव कौन होता है? हम उसको ज्यादा बाध नहीं कर पाएंगे सफाई के लिए। अच्छा, वही पीलीभीत के ग्राम पंचायत जमुनिया जगतपुर में शासन के आदेश पर आज कोटेदार की खुली बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें काफी ग्रामीण इकट्ठे हुए और खुली बैठक में हिस्सा लिया, और साथ ही ग्राम में एक ही समूह होने के कारण समूह का ही कोटे के लिए चयन किया गया। ग्रामीणों की सर्वसम्मति के साथ ग्राम का कोटा समूह को दे दिया गया है, और साथ ही ग्रामीणों ने बताया कि इस बैठक से सारे ग्रामीण खुश हैं और किसी को किसी भी तरह की कोई समस्या सामना नहीं करना पड़ रहा। अब ग्राम का कोटा समूह के द्वारा संचालित किया जाएगा। पीलीभीत जनपद से निजामुद्दीन की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी, जो कोटे के विषय में आज मीटिंग की गई है, क्या कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है या किसी के जोर दबाव से हो रही है? नहीं,
अच्छा, कितना पुराना समूह है आपका? अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? डोड़ा कॉलोनी नंबर 8। जैसे कि सर, जमनिया जगतपुर ग्राम पंचायत में आज हमारे समूह में कोटे के संबंध में मीटिंग की गई। जी, किसके आदेश अनुसार की गई? ये शासनादेश के क्रम में आज दिनांक 16 तारीख को आपके गांव जमुनिया जगतपुर में कोटे का चयन किए जिलाधिकारी महोदय के आदेशों के द्वारा कोटे का चयन करवाना था। दिनांक 16 तारीख को हम इस गांव में एक ही स्वयं सहायता समूह है जिसका नाम है जयलक्ष्मी स्वयं सहायता समूह। दूसरा कोई समूह न होने की वजह से इस समूह को ही कोटे का चयन किया गया। सदस्य अपने समूह के नाम।